अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी का नाम है महालक्ष्मी का पुल। ये कृष्णचंद्र की कहानी लिखी हुई है। कृष्णचंद्र बहुत बड़े नावल निगार और अफसाना निगार हैं। उन्होंने 80 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। तो आइए आज उन्हीं की लिखी हुई कहानी पढ़ते हैं, महालक्ष्मी का पुल। महालक्ष्मी के स्टेशन के इस पार महालक्ष्मी जी का एक मंदिर है। इसे लोग रेस कोर्स भी कहते थे। इस मंदिर में पूजा करने वाले लोग हारते ज्यादा हैं, जीतते बहुत कम हैं। महालक्ष्मी स्टेशन के इस पार एक बहुत बड़ी बदरूह है, जो इंसानी जिस्मों की गलाजत को अपने मतफन पानियों में घोलती हुई शहर से बाहर चली जाती है। बदरूह यानी पानी बाहर जाने का रास्ता, यानी मोरी जिसे हम कहते हैं, नाली जिसे कहते हैं। महालक्ष्मी के पुल के ऊपर बाएं तरफ लोहे के जंगले पर 6 साड़ियां लहरा रही हैं। पुल के इस तरफ हमेशा इस मुकाम पर चंद एक साड़ियां लहराती रहती हैं। ये साड़ियां कोई बहुत कीमती नहीं है। ये लोग यहाँ हर रोज इन साड़ियों को धोकर सूखने के लिए डाल देते हैं। और रेलवे लाइन के आर पार जाते हुए लोग महालक्ष्मी स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते हुए लोग, गाड़ी की खिड़की और दरवाजों से झाँक कर बाहर देखने वाले लोग अक्सर इन साड़ियों को हवा में झूलता हुआ देखते हैं। वो इनके मुख्तलिफ रंग देखते हैं, भूरा, गहरा भूरा, मटमैला, नीला, करमजी भूरा, गंदा, सुर्ख, किनारा, गहरा नीला और लाल। वो लोग अक्सर इन्हें रंगों की फिजा में फैले हुए देखते हैं। एक लम्हे के लिए दूसरे लम्हे में गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। इन साड़ियों के रंग अब जाजिब नजर नहीं रहे। इसी जमाने में मुमकिन है, जब ये नई नई खरीदी गई हो, इनके रंग खूबसूरत और चमकते हुए हों, मगर अब नहीं है। मतवातिर धोए जाने से इनके रंगों की आबोताब मर चुकी है और अब ये साड़ियां अपने फीके सीठे रोजमर्रा के अंदाज को लिए बड़ी बेदली से जंगले पर पड़ी नजर आती हैं। आप दिन में इन्हें 100 बार देखे, ये आपको कभी खूबसूरत दिखाई ना देंगे। इनका रंग रूप अच्छा है, न इनका कपड़ा न बड़ी, ये बड़ी सस्ती घटिया किस्म की साड़ियां हैं। हर रोज धुलने से इनका कपड़ा भी तार तार हो रहा है। इनमें कहीं कहीं रोजन भी नजर आते हैं, कहीं उधड़े हुए टांके हैं, कहीं बदनुमा चितले दाग, जो इस कदर पायदार हैं कि धोए जाने से भी नहीं धुलते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। मैं इन साड़ियों को जिंदगी को जानता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूँ जो इन साड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। ये लोग महालक्ष्मी के पुल के करीब ही बाएं तरफ 8 नंबर की चाल में रहते हैं। ये चाल मतवाली नहीं है, बड़ी गरीब सी चाल है। मैं भी इस चाल में रहता हूँ, इसलिए आपको इन साड़ियों और इनके पहनने वालों के मुतालिक सब कुछ बता सकता हूँ। अभी वजीर आजम की गाड़ी आने में बहुत देर है, आप इंतजार करते करते उकता जाएंगे, इसलिए अगर आप इन 6 साड़ियों की जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ सुन ले, वक्त आसानी से कट जाएगा। इधर ये जो भूरे रंग की साड़ी लटक रही है, ये शांताबाई की साड़ी है। इसके करीब जो साड़ी लटक रही है, वो भी आपको भूरे रंग की दिखाई देती होंगी, मगर वो तो गहरे भूरे रंग की है। आप नहीं, मैं इसका गहरा भूरा रंग देख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे इस वक्त से जानता हूँ जब इसका रंग चमकता हुआ गहरा भूरा था। अब इस दूसरी साड़ी का रंग भी वैसा ही भूरा है जैसा शांताबाई की साड़ी का, और शायद आप इन दोनों साड़ियों में बड़ी मुश्किल से फर्क महसूस कर सकेंगे। मैं भी जब इनके पहनने वालों की जिंदगियों को देखता हूँ, तो बहुत कम फर्क महसूस करता हूँ, मगर ये पहली साड़ी जो भूरे रंग की है, वो शांताबाई की साड़ी है, और जो दूसरे भूरे रंग की साड़ी है और जिसका गहरा भूरा रंग सिर्फ मेरी आंखें देख सकती हैं, वो जीवनाबाई की साड़ी है। शांताबाई के जिंदगी में इस साड़ी के रंग की तरह भूरी है। शांताबाई बर्तन मांझने का काम करती है। इसके 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, 2 छोटे लड़के हैं। बड़ी लड़की की उम्र 6 साल की होगी। जब से छोटा लड़का 2 साल का है, शांताबाई का खाविंद सियोन मिल में कपड़े खाते में काम करता है। इसे बहुत जल्द जाना होता है, इसलिए शांताबाई अपने खाविंद के लिए दूसरे दिन की दोपहर का खाना रात ही को पका कर रखती है, क्योंकि सुबह उसे खुद बर्तन साफ करने के लिए और पानी ढोने के लिए
दूसरे घरों में जाना होता है और अब वो साथ में अपनी 6 बरस की बच्ची को भी ले जाती है और दोपहर के करीब चाल में वापस आती है। वापस आके वो नहाती है और अपनी साड़ी धोती है और सुखाने के लिए पुल के जंगले पर डाल देती है और फिर एक बेहद गलीज और पुरानी धोती पहनकर खाना पकाने लग जाती है। शांताबाई के घर चूल्हा उसी वक्त सुलगता है जब दूसरों के यहाँ चूल्हे ठंडे हो जाएं, यानी दोपहर को 2 बजे और रात के 9 बजे। इन औकात के इधर और उधर इसे दोनों वक्त से बाहर बर्तन मांजने और पानी ढोने का काम करना होता है। अब तो छोटी लड़की भी इसका हाथ बटाती है। शांताबाई बर्तन साफ करती है, छोटी लड़की बर्तन धोती जाती है और 3 बार ऐसा और 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि छोटी लड़की के हाथ से चीनी के बर्तन गिरकर टूट गए। अब मैं जब कभी छोटी लड़की की आंखें सूजी हुई और इसके गाल सुर्ख देखता हूँ तो समझ जाता हूँ किसी बड़े घर में चीनी के बर्तन टूटे हैं। इस दिन शांता भाई भी मेरे नमस्ते का जवाब नहीं देती, जलती भूनती बड़बड़ाती चूल्हा सुलगाने में मसरूफ हो जाती है और चूल्हे में आग कम और धुआं ज्यादा निकालने में कामयाब हो जाती है। छोटा लड़का जो 2 साल का है धुएं से अपना दम घुटता देखकर चीखता है। शांताबाई इसके चीनी ऐसे नाजुक रुखसारों पर जोर जोर से चपत्ते लगाने से बाज नहीं आती। इस पर बच्चा और ज्यादा चीखता है। यूं तो ये दिन भर रोता रहता है क्योंकि इसे दूध नहीं मिलता और इसे अक्सर भूख लगती रहती है और 2 साल की उम्र ही में इसे बाजरे की रोटी खाना पड़ती है। इसे अपनी माँ का दूध अपने दूसरे भाई बहन की तरफ से सिर्फ अपनी भाई बहन की तरह सिर्फ पहले 6-7 माह नसीब हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से। फिर ये भी खुश्क बाजरे और ठंडे पानी पर पलने लगा। हमारी चाल के सारे बच्चे इसी खुराक पर पलते हैं। वो दिन भर नंगे रहते हैं और रात को गुदड़े ओढ़कर सो जाते हैं। सोते में भी वो भूखे रहते हैं और जब शांताबाई के खाविंद की तरह बड़े हो जाते हैं तो दिन भर खुश्क बाजरी और ठंडा पानी पी पी कर काम करने जाते हैं और इनकी भूख बढ़ती जाती है और हर वक्त मेदे के अंदर और दिल के अंदर और दिमाग के अंदर एक बोझल सी धमक महसूस करते रहते हैं। और जब पगार मिलती है तो इनमें से कई एक सीधे ताली खाने का रुख करते हैं। ताली पीकर चंद घंटों के लिए ये धक जायल हो जाती है, लेकिन आदमी हमेशा तो ताली पी नहीं सकता। एक दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा, 3रे दिन की ताली के पैसे कहाँ से लाएगा। आखिर खोली का किराया देना है, राशन का खर्चा है, भाजी तरकारी है, तेल और नमक है, बिजली और पानी है। शांताबाई की भूरी साड़ी है जो 6-7वें माह तार तार हो जाती है, कभी 7 माह से ज्यादा नहीं चलती। ये मिल वाले भी 5 रुपए 4 आने में कैसी खुरदरी निकम्मी साड़ी देते हैं, इसके कपड़े में जरा जान नहीं होती। 6 माह से जो तार तार होना शुरू होता है तो 7वें माह बड़ी मुश्किल से सी के जोड़ के गांठ के टांके लगा के काम देता है और फिर वही 5 रुपए 4 आने खर्च करने पड़ते हैं और वही भूरे रंग की साड़ी आ जाती है। शांता को ये रंग बहुत पसंद है, इसलिए कि ये मेला बहुत देर में होता है। इसे घरों में झाड़ू देना होती है, बर्तन साफ करने होते हैं, 3री-4थी मंजिल तक पानी ढोना होता है। वो भूरा रंग नहीं पसंद करेगी तो क्या खिलते हुए शोख रंग गुलाबी बसंती नारंगी पसंद करेगी? वो इतनी बेवकूफ नहीं है। 2-3 बच्चों की माँ है, लेकिन कभी इसने ये शोख रंग भी देखे थे, पहने थे, उन्हें अपने धड़कते हुए दिल के साथ प्यार किया था। जब वो धारवार में अपने गांव में थी, जहां इसने बादलों में शोख रंगों वाली धनक देखी थी, जहां मेलों में इसने शोख रंग नाचते हुए देखे थे, जहां के बाप के धान के खेत थे, ऐसे शोख हरे हरे रंग के खेत और आंगन में पेरू का पेड़ जिसके डाल डाल से वो तोड़ तोड़ कर खाया करती थी, जाने अब पेरुओं में मजा ही नहीं है, वो शीरनी और घुलावट ही नहीं है, वो रंग वो चमक वो दमक कहाँ जाके मर गई, वो सारे रंग क्यों यकलख्त भूरे हो गए। शांताबाई कभी बर्तन मांजते मांजते खाना पकाते पकाते अपने साड़ी धोते इस पल के जंगले पर लाकर पुल के जंगले पर
लाकर डालते हुए ये सोचा करती है, इसकी भूरी साड़ी से पानी के कतरे आंसुओं की तरह रेल की पटरी पर बहते जाते हैं। और दूसरे देखने वाले लोग एक भूरे रंग की खूबसूरत औरत को पुल के ऊपर जंगले पर एक भूरी साड़ी को फैलाते हुए देखते हैं। और बस यही दूसरे लम्हे में गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। जयनाबाई की साड़ी जो शांताबाई की साड़ी के साथ लटक रही है, गहरे भूरे रंग की है। बजाहिर इसका रंग शांताबाई की साड़ी से फीका नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे, इस फीकेपन के बावजूद ये आपको गहरे भूरे रंग की नजर आएगी। ये भी साड़ी 5 रुपए 4 आने की है और बड़ी ही बोसीदा है। दो एक जगह से फटी हुई थी, लेकिन आप वहां पर टांके लग गए हैं और इतनी दूर से मालूम भी होते हैं। हाँ, आप वो बड़ा टुकड़ा जरूर देख सकते हैं जो गहरे नीले रंग का है, और इस साड़ी के बीच में जहाँ से ये साड़ी बहुत फट चुकी थी लगाया गया है। ये टुकड़ा जियानाबाई की इस पहली साड़ी का है और इस दूसरी साड़ी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जियाना भाई बेवा है, इसलिए वो हमेशा पुरानी चीजों से नई चीजों को मजबूत बनाने के ढोंग सोचा करती है। पुरानी यादों से नई यादों की तलखियों को भूल जाने की कोशिश क्या करती है। जियाना भाई अपने खाबिंद के लिए रोती रहती है, जिसने एक दिन इसे नशे में मार मार कर इसकी एक आंख कानी कर डाली थी। वो इसलिए नशे में था कि वो इस रोज मिल से निकाला गया था। बुढ़ा ढूंढा अब मिल में किस काम का नहीं रहा था। गो वो बहुत तजुर्बेकार था, लेकिन इसके हाथों में इतनी ताकत ना रही थी कि वो जवान मजदूरों का मुकाबला कर सकता, बल्कि वो तो अब दिन रात खांसी में मुबतला रहने लगा था। कपास के नन्हे नन्हे रेशे इसके फेफड़ों में जाके ऐसे धंस गए थे जैसे चरखियों और ईंटों में सूत के छोटे छोटे महीन तागे फंस जाते हैं। जब बरसात आती तो ये नन्हे रेशे उसे दम्मे में मुबतला कर देते, और जब बरसात ना होती तो वो दिन भर रात भर खांसता। एक खुश्क और मुसलसल खनखार घर में और कारखाने में जहाँ वो काम करता था सुनाई देती रहती। मिल के मालिक ने इस खांसी की खतरनाक घंटे को सुना और ढूंढो को मिल से निकाल दिया। ढूंढो इसके 6 माह बाद मर गया। जियानाबाई को इसके मरने का बहुत गम हुआ। क्या हुआ अगर गुस्से में आके एक दिन इसने जियानाबाई की आंख निकाल दी। 30 साल की शादीशुदा जिंदगी एक लम्हे के गुस्से पर कुर्बान नहीं की जा सकती, और इसका गुस्सा बजा था। अगर मिल मालिक ढूंढो को यूं बेकसूर नौकरी से अलग ना करता तो क्या जियाना की आंख निकल सकती थी। ढूंढो ऐसा नहीं था, इसे अपनी बेकारी का गम था, अपनी 25 साल मुलाजमत से बरतरफ होने का गम था, और सबसे बड़ा रंज इस बात का था कि मिल मालिक ने चलते वक्त उसे एक धेला भी तो नहीं दिया। 35 साल पहले जैसे ढूंढो खाली हाथ मिल में काम करने के लिए आया था, उसी तरह खाली हाथ वापस लौटा और दरवाजे से बाहर निकलने पर और अपना नंबरी कार्ड पीछे छोड़ आने पर उसे एक झटका सा लगा। बाहर आके उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे 35 सालों में किसी ने इसका सारा रंग, सारा खून, इसका सारा रस चूस लिया हो और इसे बेकार समझकर बाहर कूड़े करकट के ढेर पर फेंक दिया हो। और ढूंढो बड़ी हैरत से मिल के दरवाजे को और इस बड़ी चिमनी को देखने लगा जो बिल्कुल इसके सर पर एक खौफनाक देव की तरह आसमान से लगी खड़ी थी। यकायक ढूंढो ने गम और गुस्से से अपने हाथ मले, जमीन पर जोर से थूका और फिर ताड़ी खाने में चला गया। लेकिन जियाना की एक आंख जब भी ना जाती अगर उसके पास इलाज के लिए पैसे होते। वो आंख तो गलगल कर सड़सड़ कर खैराती अस्पतालों में डॉक्टरों, कंपाउंडरों और नर्सों की बद एहतियाती और गालियों और लापरवाहियों का शिकार हो गई। और जब जियाना अच्छी हो गई तो ढूंढो बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि फिर बिस्तर से ना उठ सका। इन दिनों में जियाना इसकी देखभाल करती थी। शांताबाई ने मदद के तौर पर उसे चंद
घरों में बर्तन मांझने का काम दिलवा दिया था और गो वो अब बूढ़ी थी और मशाकी और सफाई से बर्तनों को साफ ना रख सकती थी। फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रेंग कर अपने कमजोर हाथों में छोटी झूठी ताकत के बूदे सहारे पर जैसे तैसे काम करती रहती। खूबसूरत लिबास पहनने वाली खुशबूदार तेल लगाने वाली बीवियों की गाली सुनती रही और काम करती रही, क्योंकि इसका ढूंढो बीमार था और इसे अपने आप को और अपने खाविंद को जिंदा रखना था, लेकिन ढूंढो जिंदा ना रहा और अब जीवना बाई अकेले थी। खैरियत इसमें थी कि बिल्कुल अकेले थी और अब इसे सिर्फ अपना धंधा करना था। शादी के 2 साल बाद इसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई, लेकिन जब वो जवान हुई तो किसी बदमाश के साथ भाग गई और इसका आज तक किसी को पता ना चला कि वो कहाँ है। फिर किसी ने बताया और फिर बाद में बहुत से लोगों ने बताया कि जीवाना बाई की बेटी पारस रोड पर चमकीला भड़कीला लिबास पहने बैठी है, लेकिन जीवाना बाई को यकीन नहीं आया। इसने अपनी सारी जिंदगी 5 रुपए 4 आने की धोती पहने बसर कर दी थी और उसे यकीन था कि इस लड़की भी ऐसा करेगी, वो ऐसा ना करेगी। इसका इसे कभी ख्याल भी नहीं आया था वो कभी फारस रोड नहीं गई, क्योंकि इसे इसका यकीन था कि इसकी बेटी वहाँ नहीं है। भला इसकी बेटी वहाँ क्यों जाने लगी, यहाँ अपनी खोली में क्या नहीं था। 5 रुपए 4 आने वाली धोती थी, बाजरे की रोटी थी, ठंडा पानी था, सूखी इज्जत थी और ये सब कुछ छोड़कर वो फारस रोड क्यों जाने लगी। इसे तो कोई बदमाश अपनी मोहब्बत का सब्ज बाग दिखा के ले गया था, क्योंकि औरत मोहब्बत के लिए सब कुछ कर गुजरती है। खुद वो 30 साल पहले अपने ढूंढो के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर यहीं चली आई थी। जिस दिन ढूंढो मरा और जब लोग इसकी लाश को जलाने के लिए ले जाने लगे और जियोना ने अपनी सिंदूर की डिबिया अपनी बेटी की अंगिया पर उंडेल दी, जो इसने बड़ी मुद्दत से ढूंढो की नजरों से छुपा कर रखी थी, ऐन उसी वक्त एक गदराए हुए जिस्म की भारी औरत बड़ा चमकीला लिबास पहने इससे आके लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। और इसे देखकर जियानो का यकीन आ गया कि जैसे अब सब कुछ मर गया है, उसका पति, उसकी बेटी, उसकी इज्जत, जैसे वो जिंदगी भर रोटी नहीं गलाजत खाती रही है, जैसे इसके पास कुछ नहीं था, शुरू ही से कुछ नहीं था, पैदा होने से पहले ही इसे सब कुछ छीन लिया गया था, उसे निहत्ता नंगा और बेइज्जत कर दिया गया था। और जियाना को इस एक लम्हे में एहसास हुआ कि वो जगह जहाँ इसका खाविंद जिंदगी भर काम करता रहा और वो जहाँ इसकी आंख अंधी हो गई और वो जगह जहाँ इसकी बेटी अपनी दुकान सजाकर बैठ गई एक बहुत बड़ा अंधा कारखाना है, जिसमें कोई जालिम जाबिर हाथ इंसानी जिस्मों के लिए गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में घुसता जाता है और दूसरे हाथ से तोड़ मड़ोड़ कर दूसरी तरफ फेंकता जाता है। और यकायक जीवना अपनी बेटी को धक्का देकर अलग खड़ी हो गई और चीखें मारकर रोने लगी। तीसरी साड़ी का रंग मटमैला नीला है, यानी नीला भी है और मैला भी और मटियाला भी, कुछ ऐसा अजीब सा रंग है जो बार बार धोने पर भी नहीं निखरता और गलीज होता जाता है। ये मेरी बीवी की साड़ी है, मैं फोर्ट में धन्नू भाई के फर्म में कलर की करता हूँ, 65 रुपए तनख्वाह मिलती है। सियोन मिल और बक्सरिया पुल के मजदूरों को भी यही तनख्वाह मिलती है, इसलिए मैं भी इन्हीं के साथ 8 नंबर की चाल की खोली में रहता हूँ, मगर मैं मजदूर नहीं हूँ, क्लर्क हूँ। मैं फोर्ट में नौकर हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, टाइप कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, मैं अपने वजीर आजम की तकरीर जलसे में सुनकर भी समझ लेता हूँ। आज थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी महालक्ष्मी पर आएगी, नहीं वो रेस कोर्स नहीं जाएंगे, वो समुन्दर के किनारे एक शानदार तकरीर करेंगे। इस मौके पर लाखों आदमी जमा होंगे, इन लाखों में मैं भी एक हूँगा। मेरी बीवी को अपने वजीर आजम की बातें सुनने का बहुत शौक है, मगर मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमारे 8 बच्चे हैं और घर में हर वक्त परेशानी सी रहती है। जब देखो कोई ना कोई चीज कम हो जाती है, राशन तो रोज कम पड़ता है, अब नल में पानी भी कम आता है, रात को सोने के लिए जगह भी कम पड़ती है और तनख्वाह तो इस कदर कम पड़ती है कि महीने में सिर्फ 15 दिन चलती है,
बाकी 15 दिन सूदखोर पठान चलाता है, और वो भी कैसे गालियां बकते झकते घिसट घिसट कर किसी सुस्त रफ्तार मालगाड़ी की तरह ये जिंदगी चलती है। मेरे 8 बच्चे हैं मगर ये स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मेरे पास इनकी फीस के पैसे कभी ना होंगे। पहले पहल जब मैंने ब्याह किया था सावित्री को अपने घर यानी खोली में लाया था तो मैंने सोचा था इन दोनों सावित्री भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचा करती थी। गोभी के नाजुक नाजुक पत्तों की तरह प्यारी प्यारी बातें, जब वह मुस्कुराती तो सिनेमा की तस्वीर की तरह खूबसूरत दिखा करती। अब वो मुस्कुराहट ना जाने कहाँ चली गई है, इसकी जगह एक मुस्तकिल त्योरी ने ले ली है। वो जरा सी बात पर बच्चों को बेतहाशा पीटना शुरू कर देती है, और मैं तो कुछ भी कहूँ, कैसे भी कहूँ, कितनी ही लजाहत से कहूँ, वो तो मुझे काट खाने को दौड़ती है। पता नहीं सावित्री को क्या हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं दफ्तर में सेठ की गालियाँ सुनता हूँ, घर पर बीवी की गालियाँ सुनता हूँ, और हमेशा खामोश रहता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ शायद मेरी बीवी को एक नई साड़ी की जरूरत है। शायद इसे सिर्फ एक नई साड़ी ही नहीं, एक नए चेहरे, एक नए घर, एक नए माहौल और एक नई जिंदगी की जरूरत है। मगर अब इन बातों को सोचने से क्या होता है, अब तो आजादी आ गई है, और हमारे वजीर आजम ने भी कह दिया है कि इस नस्ल को यानी हम लोगों को अपनी जिंदगी में कोई आराम नहीं मिल सकता। मैंने सावित्री को अपने वजीर आजम की तकरीरें जो अखबार में पढ़ी थी सुनाई तो इसे सुनकर आग बगोला हो गई, और उसने गुस्से में आकर चूल्हे के करीब पड़ा हुआ चिमटा मेरे सर पर दे मारा। ये जख्म का निशान जो आप मेरे हाथ पर देख रहे हैं इसी का निशान है, मगर आप उन्हें नहीं देख सकेंगे, मैं देख सकता हूँ। इनमें से एक निशान तो इस मोंगिया रंग की जॉर्जेट की साड़ी का है जो इसने ओपेरा हाउस के नजदीक भंजी मिल भोंदू राम पारचा फरोश की दुकान पर देखी थी। एक निशान इस खिलौने का है जो 25 रुपए का था और जिसे देखकर मेरा पहला बच्चा खुशी से किलकारियां मारने लगा था, लेकिन जिसे हम खरीद ना सके और जिसे ना पाकर मेरा बच्चा दिन भर रोता रहा। एक निशान इस तार का है जो एक दिन जबलपुर से आया था जिसमें सावित्री की माँ के शदीद अलालत की खबर थी। सावित्री जबलपुर जाना चाहती थी लेकिन 1000 कोशिश के बाद भी मुझे किसी से रुपये उधार ना मिल सके और सावित्री जबलपुर ना जा सके। एक निशान इस तार का है जिसमें इसकी माँ की मौत का जिक्र है। एक निशान मगर मैं किस किस निशान का जिक्र करूँ। इनसे चितले चितले गदले गदले गलीज दागों से सावित्री की 5 रुपए 4 आने वाली साड़ी में मुंतकिल होते जाएंगे। चौथी साड़ी करमजी रंग की है और करमजी रंग में भूरा रंग भी झलक रहा है। यूं तो ये सब मुख्तलिफ रंगों की साड़ियां हैं लेकिन भूरा रंग इन सब में झलकता है। ऐसा मालूम होता है जैसे इन सब की जिंदगी एक है, जैसे इन सब की कीमत एक है, जैसे ये सब जमीन में कभी ऊपर नहीं उठेंगे, जैसे इन्होंने कभी हंसती हुई धनक उफक पर चमकती हुई शफक बादलों में लहराती हुई बर्क नहीं देखी। जैसे शांताबाई की जवानी है वो जियाना का बुढ़ापा है, वो सावित्री का उधेड़पन है, जैसे ये सब साड़ियां जिंदगियां एक रंग एक सतह एक तवातिर एक मुसलसल यकसानियत लिए हुए हवा में झूलती जाती है। ये करमजी भूरे रंग की साड़ी झब्बू भैये की औरत की है। इस औरत से मेरी बीवी कभी बात नहीं करती क्योंकि एक तो इसके कोई बच्चा बच्चा नहीं है, और ऐसी औरत जिसके कोई बच्चा नहीं हो बड़ी नहस होती है। वो जादू टोने करके दूसरे के बच्चों को मार डालती है और बदरूहों को बुला के अपने घर में बसा लेती है। मेरी बीवी इसे कभी मुंह नहीं लगाती। ये औरत झब्बू भैया ने खरीद कर हासिल की है। झब्बू भैया मुरादाबाद का रहने वाला है लेकिन बचपन ही से अपना देश छोड़कर इधर चला आया। वो मराठी और गुजराती जबान में बड़े मजे से गुफ्तगू कर सकता है। इसी वजह से इसे बहुत जल्द पुरवाइल की गन्नी खाते में जगह मिल गई। झब्बू भैया को शुरू ही से ब्याह का बहुत शौक था। उसे बीड़ी का ताली का किसी चीज का शौक नहीं था। शौक था तो सिर्फ इस बात का कि इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जब इसके पास 70-80 रुपए इकट्ठा हो गए उसने अपने देश जाने की ठानी ताकि वहां अपनी बिरादरी से किसी को ब्याह लाए। मगर फिर इसने सोचा
इन 70-80 रुपयों में क्या होगा, आने जाने का किराया भी बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। 4 साल की मेहनत के बाद इसने ये रकम जोड़ी थी, लेकिन इस रकम से वो मुरादाबाद जा सकता था, जाके शादी नहीं कर सकता था। इसलिए जब्बू भैया ने यहीं एक बदमाश से बातचीत करके इस औरत को 100 रुपये में खरीद लिया। 80 रुपये इसने नकद दिए, 20 रुपये उधार में रहे, जो इसने 1 साल के अरसे में अदा किए। बाद में जब्बू को मालूम हुआ कि औरत भी मुरादाबाद की रहने वाली थी, धीरज गांव की और इसकी बरादरी ही की थी। जब्बू बड़ा खुश हुआ, चलो यहीं बैठे बैठे सब काम हो गया, अपने जात बरादरी की, अपने जिला की, अपने धर्म की औरत यहीं बैठे बैठाए 100 रुपये में मिल गई। इसने बड़े चल चलाव से अपना ब्याह रचाया और फिर उसे मालूम हुआ इसकी बीवी लड़िया बहुत अच्छा गाती है। वो खुद भी अपनी पाटदार आवाज में जोर से गाने, बल्कि गाने से ज्यादा चिल्लाने का शौकीन था। अब तो खोली में दिन रात गोया किसी ने रेडियो खोल दिया हो। दिन में खोली में लड़िया काम करते करते हुए गाती थी, रात को झब्बू और लड़िया दोनों गाते थे। इनके यहाँ कोई बच्चा ना था, इसलिए उन्होंने एक तोता पाल रखा था। लड़िया में एक और बात भी थी, झब्बू ने पेड़ी बीड़ी ना पिए, ना सिगरेट ना ताड़ी। लड़िया बीड़ी सिगरेट ताड़ी सब कुछ पीती थी। कहते थे पहले वो सब कुछ नहीं जानती थी, मगर जब से वह बदमाश के पल्ले पड़ी, इसे ये सब बातें सीखना पड़ी। और अब वो और सब बातें तो छोड़ सकती है, मगर बीड़ी और ताड़ी नहीं छोड़ सकती। कई बार ताड़ी पीकर लड़िया ने झब्बू पर हमला किया और झब्बू ने इसे रूई की तरह धनक कर रख दिया। इस मौके पर तोता बहुत शोर मचाता था और रात को दोनों को गालियां बकते देखकर खुद भी पिंजरे में टंगा हुआ जोर जोर से चिल्लाकर वही गालियां बकता जो वो दोनों बकते थे। एक बार तो इसकी गाली सुनकर झब्बू गुस्से में आकर तोते के पिंजरे समेत बदरू में फेंकने लगा था, मगर ज्योना ने बीच में पड़कर तोते को बचा लिया। तोते को मारना बड़ा पाप है, ज्योना ने कहा, तुम्हें ब्राह्मणों को बुला के प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हें 15-20 रुपये खल जाएंगे। ये सोचकर झब्बू ने तोतों को बदरू में गर्क करने का ख्याल तर्क कर दिया। शुरू शुरू में तो वह झब्बू को ऐसी शादी पर चारों तरफ से गालियां पड़ी। वो खुद भी लड़िया को बड़े शबिया की नजरों से देखता रहा और कई बार उसे बिलावजह पीटा और खुद भी मिल से गैर हाजिर रहकर उसकी निगरानी करता रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता लड़िया ने अपना एतबार सारी चाल में कायम कर लिया। लड़िया कहती है कि कोई औरत सच्चे दिल से बदमाशों के पल्ले पड़ना पसंद नहीं करती। वो तो एक घर चाहती है, चाहे वो छोटा ही सा घर हो। वो एक खाविंद चाहती है जो इसका अपना हो, चाहे वो झब्बू भैया ऐसा शोर मचाने वाला हो, जबान दराज शेखी खुराही क्यों ना हो। वो एक नन्हा बच्चा चाहती है, चाहे वो कितना ही बदसूरत क्यों ना हो। और अब लड़िया के पास घर भी था और झब्बू भी था, और अगर बच्चा नहीं था तो क्या हुआ, हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो भगवान की मर्जी, यह मियाँ मिट्ठू ही इसका बेटा बनेगा। एक रोज लड़िया अपने मियाँ मिट्ठू का पिंजरा झुला रही थी और उसे चोरी खिला रही थी और अपने दिन के सपनों में इस नन्हे से बालक को देख रही थी, जो फिजा में हुमकता हुमकता इसकी आगोश की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ये चाल में शोर सा बढ़ने लगा। इसने दरवाजे से झांक कर देखा कि चंद मजदूर झब्बू को उठाए चले आ रहे हैं और इनके कपड़े खून से रंगे हुए हैं। लड़िया का दिल धक से रह गया। वो भागती भागती नीचे गई और इसने बड़ी दृष्टि से अपने खाविंद को मजदूरों से छीन कर अपने कंधे पर उठा लिया और अपनी खोली में ले आई। पूछने पर पता चला कि झब्बू से गन्नी खाते के मैनेजर ने कुछ डांट डपट की। इस पर झब्बू ने भी इसे दो हाथ जड़ दिए। इस पर बहुत बाबेला मचा और मैनेजर ने अपने बदमाशों को बुलाकर झब्बू की खूब ठुकाई की और इसे मिल से बाहर निकाल दिया। खैरियत हुई कि झब्बू बच गया, वरना इसके मरने में कोई कसर नहीं थी। लड़िया ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। इसने इस रोज से अपने सर पर टोकरी उठा ली और गली गली तरकारी भाजी बेचने लगी, जैसे वह जिंदगी में यह धंधा करती आई थी। इस तरह मेहनत मजदूरी करके इसने अपने झब्बू को अच्छा कर लिया। झब्बू अब भला चंगा है, मगर अब इसे किसी मिल में काम नहीं मिलता। वो दिन भर अपनी खोली में खड़ा
महालक्ष्मी के स्टेशन के चारों तरफ बुलंदो बाला कारखानों की चिमनियों को तकता रहता है। सेवन के मिल, न्यू मिल, ओल्ड मिल, पूरा मिल, मिराज मिल, लेकिन इसके लिए किसी मिल की जगह नहीं थी, क्योंकि मजदूर को गाली खाने का हक है, गाली देने का हक नहीं। आजकल लड़िया बाजारों और गलियों में आवाजें देकर भाजी तरकारी फरोख्त करती है और घर का सारा काम काज भी करती है। इसने बीड़ी ताड़ी सब कुछ छोड़ दी है। हाँ, इसकी साड़ी करमजी भूरे रंग की साड़ी जगह जगह से फटती जा रही है। थोड़े दिनों तक और अगर झब्बू को काम ना मिला तो लड़िया को अपनी साड़ी में पुरानी साड़ी के टुकड़े जोड़ना पड़ेंगे और अपने मियाँ मिट्ठू को चोरी खिलाना बंद करना पड़ेंगे। पांचवी साड़ी का किनारा गहरा नीला है। साड़ी का रंग गदला सुर्ख है लेकिन किनारा गहरा नीला है। उस नीले में अब भी कहीं कहीं चमक बाकी है। ये साड़ी दूसरे साड़ियों से बढ़िया है, क्योंकि ये साड़ी 5 रुपए 4 आने की नहीं है। इसका कपड़ा इसकी चमक दमक कह देती है कि इनसे जरा मुख्तलिफ है। आपको दूर से ये मुख्तलिफ मालूम नहीं होती होगी, मगर मैं जानता हूँ ये इनसे जरा मुख्तलिफ है। इसका कपड़ा बेहतर है, इसका किनारा चमकदार है, इसकी कीमत 9.25 रुपए है। ये साड़ी मंजूला की है, ये साड़ी मंजूला के ब्याह की है। मंजूला के ब्याह को अभी 6 माह भी नहीं हुए। इसका कारखाना, इसका खाविंद गुज़श्ता माह चरखी के घूमते हुए हत्ते की लपट में आके मारा गया था। और अब 16 बरस की खूबसूरत मंजूला बेवा है। इसका दिल जवान है, इसका जिस्म जवान है, इसकी उमंगे जवान है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसका खाविंद मिल के एक हादसे में मर गया है। वो पट्टा बड़ा ढीला था और घूमते हुए बार बार फटफटाता था और काम करने वालों को एहतजाज के बावजूद इस मिल मालिकों ने नहीं बदला था, क्योंकि काम चल रहा था और दूसरी सूरत में थोड़ी देर के लिए काम बंद करना पड़ता। पट्टा को तब्दील करने के लिए रुपया भी खर्च होता। मजदूर तो किसी वक्त भी तब्दील किया जा सकता है, इसके लिए रुपया थोड़ी खर्च होता है, लेकिन पट्टा तो बड़ी कीमती शय है। जब मंजूला का खाविंद मारा गया तो मंजूला ने हर जाने की दरख्वास्त दी, जो नामंजूर हुई, क्योंकि मंजूला अपनी गफलत से मरा था। इस वजह से मंजूला को कोई हरजाना ना मिला और वो अपनी वही नई दुल्हन की साड़ी पहने रही जो इसके खाविंद ने 9.25 रुपए में इसके लिए खरीदी थी, क्योंकि इसके पास कोई दूसरी साड़ी नहीं थी जो अपनी खाविंद की मौत के सोग में पहन सकती। वो अपने खाविंद के मर जाने के बाद भी दुल्हन का लिबास पहनने पर मजबूर थी, क्योंकि इसके पास कोई दूसरी साड़ी ना थी और जो साड़ी थी वो यही गदले सुर्ख रंग की 9.25 रुपए की साड़ी थी जिसका रंग गहरा नीला है। शायद अब मंजूला भी 5 रुपए 4 आने की साड़ी पहनेगी। इसका खाविंद जिंदा रहता जब भी वो दूसरी साड़ी 5 रुपए 4 आने की लाती। इस लिहाज से इसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आया, मगर फर्क इतना जरूर हुआ कि वो साड़ी आज पहनना चाहती है, एक सफेद साड़ी 5 रुपए 4 आने वाली, जिसे पहनकर वो दुल्हन नहीं बेवा मालूम हो सके। ये साड़ी इसे दिन रात काट खाने को दौड़ती है। इस साड़ी से जैसे इसके मरहूम खाविंद की मजबूत बाहें लिपटी हैं, जैसे इसके हर तार पर इसकी शफाफ बोसे मरतस्सम हैं, जैसे इसके ताने बाने में इसके खाविंद की गरम गरम सांसों की हिद्दत आमेज गुनूदगी है, इसके सह बालों वाली छाती का सारा प्यार दफन है, जैसे ये साड़ी नहीं एक गहरी कब्र है जिसके होलनाक पहनाइयों को वह हर वक्त अपने जिस्म के गिर्द लपेट लेने पर मजबूर है। मंजूला जिंदा कब्र में गाड़ी जा रही है। छठी साड़ी का रंग लाल है, लेकिन इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे पहनने वाली मर चुकी है। फिर भी ये साड़ी यहाँ जंगले पर बदस्तूर मौजूद है, रोज की तरह धुली धुलाई हवा में झूल रही है। ये माई की साड़ी है जो हमारी चाल के दरवाजे के करीब अंदर खुले आंगन में रहा करती थी। माई का एक बेटा था सेतु, वो अब जेल में है। सेतु के बीवी और इसका लड़का यही नीचे आंगन में दरवाजे के करीब दीवार के नीचे पड़े रहते हैं। सेतु और सेतु की बीवी और इसकी लड़की और बुढ़िया माई, ये सब लोग हमारी चाल के भंगी हैं। इनके लिए खोली भी नहीं है और इनके लिए इतना कपड़ा, इतना खाना कपड़ा भी नहीं मिलता जितना हम लोगों को मिलता है। इसलिए ये लोग आंगन में रहते हैं, वहीं पकाते हैं, वहीं पड़ के सो रहते हैं। यही ये बुढ़िया माई मारी गई। वो बड़ा सुराख जो आप इस साड़ी में देख रहे हैं, पल्लू के करीब, ये गोली का सुराख है। ये कारतूस की गोली माई को भंगियों के हड़ताल के दिनों में लगी थी।
नहीं, वो इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रही थी। वो बेचारी तो बहुत बूढ़ी थी, चल भी ना सकती थी। इस हड़ताल में तो इसका बेटा सेतु और दूसरे भंगी शामिल थे। ये लोग महंगाई मांगते थे और खोली का किराया मांगते थे, यानी अपनी जिंदगी के लिए दो वक्त का रोटी कपड़ा और सर पर एक छत चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने हड़ताल की थी, और जब हड़ताल खिलाफ कानून करार दे दी गई तो इन लोगों ने जुलूस निकाला, और इस जुलूस में माई का बेटा सेतु आगे आगे था और खूब जोर शोर से नारे लगाता था। और फिर जब जुलूस भी खिलाफ कानून करार दिया गया तो गोली चली और हमारी चाल के सामने चली। हम लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन घबराहट में चाल का दरवाजा बंद करना किसी को याद ना रहा। और फिर हम अपने बंद कमरों में ऐसा मालूम हुआ गोया गोली इधर से उधर चारों तरफ चल रही हो। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया, और जब हम लोगों ने डरते डरते दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा तो जुलूस इतर बितर हो चुका था और हमारी चाल के दरवाजे के करीब बुढ़िया पड़ी थी। ये इसी बुढ़िया की लाल साड़ी है जिसका बेटा सेतु अब जेल में है। इस लाल साड़ी को अब बुढ़िया की बहू पहनती है। इस साड़ी को बुढ़िया के साथ जला देना चाहिए था, मगर क्या किया जाए, तन ढकना ज्यादा जरूरी है। मुर्दों की इज्जत और एहतराम से भी कहीं ज्यादा जरूरी है जिंदगी का तन ढका जाए। ये साड़ी जलने जलाने के लिए नहीं है, तन ढकने के लिए है। हाँ, कभी कभी सेतु की बीवी इसके पल्लू से अपने आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि इसमें पिछले 80 वर्षों के सारे आंसू और सारी उमंगे और सारी फतेहें और सारी शिकस्तें जर्ब हैं। आंसू पोंछ कर सेतु की बीवी फिर इसी हिम्मत से काम करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहीं गोली नहीं चली, कोई जेल नहीं गया, भंगन की झाड़ू इसी तरह चलने लगी। आए लो, बातों बातों में वजीर आजम साहब की गाड़ी निकल गई, वो यहाँ नहीं ठहरी। मैं समझता था वो यहाँ जरूर ठहरेगी। वजीर आजम साहब दर्शन देने के लिए गाड़ी से निकलकर थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर टहलेंगे और शायद हवा में झूलती हुई इन 6 साड़ियों को भी देख लेंगे जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही है। ये 6 साड़ियाँ जो बहुत ही मामूली औरतों की साड़ियाँ हैं, ऐसी मामूली मामूली औरतें जिनसे हमारे देश के छोटे छोटे घर बनते हैं, जहाँ एक कोने में चूल्हा सुलगता है, एक कोने में पानी का घड़ा रखा है और हर ताखचे में शीशा है, कंघी है और सिंदूर की डिबिया है। खाट पर नन्हा बच्चा सो रहा है, अलगनी पर कपड़े सूख रहे हैं। ये इन छोटे छोटे लाखों करोड़ों घरों को बनाने वाली औरतों की साड़ियाँ हैं, जिन्हें हम हिंदुस्तानी कहते हैं। ये औरतें जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की माएँ हैं, हमारे भोले भाइयों की अजीज बहनें हैं, हमारी मासूम मोहब्बतों का गीत है, हमारी 5000 साल तहजीब का सबसे ऊंचा निशान है। वजीर आजम साहब, ये हवा में झूलती हुई साड़ियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुमसे कुछ मांगती हैं। ये कोई बहुत बड़ी कीमती चीज तुमसे नहीं मांगती हैं। ये कोई बड़ा मुल्क, कोई बड़ा अहदा, कोई बड़ा मोटर कार, कोई बड़ी मोटर कार, कोई बड़ा परमिट, कोई ठेका, कोई प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज, किसी चीज की तुमसे तलब नहीं है। ये तो जिंदगी की बहुत ही छोटी छोटी चीजें मांगती है। देखिए, ये शांताबाई की साड़ी है जो अपने बचपन की खोई हुई धनक तुमसे मांगती है। ये जोयनाबाई की साड़ी है जो अपनी आंख की रोशनी और अपनी बेटी की इज्जत मांगती है। ये सावित्री की साड़ी है जिसके गीत मर चुके हैं और जिसके पास अपने बच्चों के लिए स्कूल के लिए फीस नहीं है। ये लड़िया है जिसका खाविंद बेकार है और जिसके कमरे में एक तोता है जो 2 दिन से भूखा है। ये नई दुल्हन की साड़ी है जिसके खाविंद की जिंदगी चमड़े के पट्टे से भी कम कीमत है। ये बड़ी भंगल लाल की साड़ी है जो बंदूक की गोली को बल कर हाल्क में तब्दील करना चाहती है, ताकि धरती से इंसान का लहू फूल बनकर खिल उठे और गंदम के सुनहरे खोशे हंसकर लहराने लगे। लेकिन वजीर आजम साहब की गाड़ी नहीं रुकी और वो इन 6 साड़ियों को नहीं देख सके और तकरीर करने के लिए चौपाटी चले गए। इसलिए अब मैं आपसे कहता हूँ, अगर कभी आपकी गाड़ी इधर से गुजरे तो आप इन 6 साड़ियों को जरूर देखिएगा जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही हैं, और फिर आप इन रंगारंग रेशमी साड़ियों को भी देखिएगा
जिन्हें धोबियों ने उस पुल के दाएं तरफ सूखने के लिए लटका रखा है जो इनके घरों से आई है, जहां ऊंची ऊंची चिमनियों वाले कारखानों के मालिक या ऊंची ऊंची तनख्वाहों के पाने वाले रहते हैं। आप इस पुल के दाएं बाएं और दोनों तरफ देखिए और फिर अपने आप से पूछिए कि आप किसके तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे इश्तराकी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जमाती जंग की तलकीन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप महालक्ष्मी के पुल के दाएं तरफ हैं या बाएं तरफ। ठीक है, इंशाल्लाह आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। अगली कहानी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।